नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme 9 वर्सेस Xiaomi Redmi 10A Sport का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Realme 9 में 6.31 इंच जबकि Redmi 10A Sport में 6.49 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Realme 9 में 2.89 इंच जबकि Redmi 10A Sport में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Realme 9 में 0.31 इंच जबकि Redmi 10A Sport में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Realme 9 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Realme 9 में 178 ग्राम्स जबकि Redmi 10A Sport में 194 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Realme 9 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Realme 9 में सुपर AMOLED जबकि Redmi 10A Sport में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Realme 9 में 6.4 इंचेस जबकि Redmi 10A Sport में 6.53 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Realme 9 में 1080x2400 और Redmi 10A Sport में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Realme 9 में 84.21% जबकि Redmi 10A Sport में 81.08% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Realme 9 में 411 पिक्सल प्रति इंच जबकि Redmi 10A Sport में 269 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Realme 9 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Redmi 10A Sport की बात करें तो इसमें एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Realme 9 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Redmi 10A Sport की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Realme 9 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Redmi 10A Sport में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Realme 9 में Adreno 610 जबकि Redmi 10A Sport में Power GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Realme 9 में Qualcomm Snapdragon 680 और Redmi 10A Sport में MediaTek Helio G25 मिलता है। बात करें RAM की तो Realme 9 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है जबकि Redmi 10A Sport में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Realme 9 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Redmi 10A Sport में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Realme 9 में अप टू 256GB जबकि Redmi 10A Sport में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Realme 9 में Android V12 जबकि Redmi 10A Sport में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
Realme 9 में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 18,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें Redmi 10A Sport की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 10,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Realme 9 में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi 10A Sport की तो उसमें 6 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Realme 9 आगे है, मेन कैमरा में Realme 9 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Realme 9 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 8 है, दूसरा Vivo Y72 5G है, तीसरा Realme 9 Pro Plus 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy A33 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।